नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम मैनेजमेंट पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा, मोस्ट पॉपुलर डायलॉग है, टाइम नहीं है यार। क्यों टाइम क्यों नहीं है? क्या टाइम हमारे पास कम है या आपके पास ज़्यादा है? 24 घंटे का समय एक व्यक्ति के पास है तो दूसरे व्यक्ति के पास भी उतना ही समय है, चाहे वो अदानी हो, अंबानी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। किसी के पास भी हम बात करें ना, तो सभी के पास टाइम उतना ही है, 24 घंटे का। तो कमी कहाँ पर है? कमी है मैनेजमेंट की, कि हम उसने टाइम को किस तरह मैनेज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सेट योर प्रायोरिटीज। हम प्रायोरिटीज को सेट करें, हम बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हैं, एजुकेशन में, हेल्थ, जिन किस किस चीज़ों पर हमें कहाँ कहाँ टाइम को डिवोट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइम को हम अपने हिसाब से मैनेज करें। हमारा कंट्रोल योर माइंड, दूसरी अनदर इम्पोर्टेंट, कि हम अपने अनकॉन्शियसनेस माइंड में, हमारी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, हमें यही नहीं पता चलता है। हमारा आधे से ज़्यादा टाइम, हम अगर कभी सोचें कि हमारा टाइम कहाँ पर वेस्ट हो रहा है, हमें यही समझ में नहीं आएगा कि हमारा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है, क्योंकि हम आधे से ज़्यादा समय अपना इन्हीं चीज़ों पर निकाल देते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। माइंड में कोई डिजायर आई तो हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कहाँ पहुँच गए मुझे यही नहीं पता होता कि हम करने क्या वाले हैं और करना क्या चाहते हैं, और हमारा टाइम निकल जाता है। हम टाइम को मारते हैं और एक दिन वक्त आता है टाइम हमें मारता है। तो किस तरह हम अपने टाइम को मैनेज करें? सेट योर प्रायोरिटीज, कंट्रोल योर माइंड। माइंड को कंट्रोल करना है तो हमें कहीं ना कहीं प्लान, सक्सेस इज डायरेक्टली लिंक विद द टाइम मैनेजमेंट। अगर हम अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं कि हमें एक लाइफ में क्या क्या चीज़ों पर टाइम डिवोट करना है, किस तरह से हमें अपनी चीज़ों पर, उन उन चीज़ों पर फोकस करना है जो हमारी इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी राइट नाउ, हमें उन चीज़ों पर फोकस करना है, उन चीज़ों पर ही टाइम की प्लानिंग के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। अगर हमारा टारगेट अभी एग्ज़ाम पास करना है, 2 महीने बाद अगर एग्ज़ाम है, तो हम फोकस एग्ज़ाम के लिए स्टडी पर ही करेंगे। अगर हमारा फोकस बिजनेस पर है तो हम बिज़नेस स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसकी स्टडी करेंगे, कहाँ कैसे आगे बढ़ना है। तो हमें ये प्लान करना है कि किस तरह से हमें अपने टाइम को, जो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है जो सबके पास बराबर है, उसी टाइम को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करते हुए आगे बढ़ना है। तो मेरी दोस्तों हम्बल एडवाइस है कि कभी भी किसी को ये ना कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम सबके पास बराबर है। हम उस टाइम को किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस तरह से प्लान कर रहे हैं, अपने लिए या अपने सभी लोगों के लिए, दूसरों के लिए, तो उस चीज़ पर मैटर करता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।